अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ शुमाला सदफ और मैं हूँ आपकी होस्ट रुबाबर। आरएनएन न्यूज़ के साथ हम लेकर आ रहे हैं स्पेशल सेगमेंट 75वीं डायमंड जुबली। बिल्कुल, उसकी स्पेशल ट्रांसमिशन लेकर आए हैं और लोगों से जानते हैं उनके बारे में कि वो किस तरह उनका जोश और जज्बा हर साल की तरह इस साल भी नजर आता है कि नहीं। आप सदफ क्या कहना चाहेंगी इस पर? बिल्कुल, इस बार हमें कुछ नया देखने को मिलेगा उनकी तैयारियों के साथ। हम प्यारे प्यारे चुड़चुड़े बच्चों से भी जानेंगे, उनसे जो है मज़ेदार गाने भी सुनेंगे और लोगों के थोड़े से चुटकुले भी सुनेंगे और देखते हैं कि वो किस तरह शॉपिंग करते हैं और 14 अगस्त के लिए क्या क्या लेते हैं। बिल्कुल, बहुत ही प्यारी प्यारी यूनिक चीज़ें आई हुई हैं, हमने देखी भी हैं, तो उसके बारे में आपको सर्वे करवाते हैं। और आइए हम मिल के देखते हैं कि हमारे जो नौजवान नस्ल है और तमाम जो है वतन है वो किस तरीके से जोश खरोश के साथ 75वीं डायमंड जुबली हमारे साथ मनाती है आरएनएन टीम के साथ। आइए ज्वाइन करते हैं। बिल्कुल, चलिए चलते हैं। बिल्कुल, आइए हमारे साथ एक स्टॉल लगी हुई है, बात करते हैं कौन है और कैसी इनकी एक्टिविटी चल रही है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी, क्या नाम है आपका? सैफ जी। सैफ, कब से स्टॉल लगाना शुरू किया आपने? स्टॉल तो खैर हम लोगों ने 28 से ही लगा लिया था, क्योंकि हमें पता था कि मुहर्रम और अगस्त इस दफ़ा थोड़े से साथ मिक्स होकर आ रहे हैं, क्योंकि सिर्फ एक दिन का फ़र्क है। जैसे फॉर एग्जांपल कि अगर 13 अगस्त है तो या तो फिर 12 मुहर्रम है, मतलब सिर्फ एक दिन का फ़र्क चल रहा है, तो थोड़ा सा रुझान भी मुझे कम लगा लोगों का ना। बिल्कुल बिल्कुल ऐसा ही है। तो अभी जैसे 10 मुहर्रम और सोयम भी जैसे गुजर गया है, 12 मुहर्रम गुजर गया, तो अब मैं थोड़ा सा देख रहा हूँ, जैसे अभी आज का ही दिन है तकरीबन, क्योंकि कल 14 अगस्त है, तो आज लोग फिर भी निकले, जैसा कि आप पीछे देख सकते हैं रश वगैरह लगा हुआ है, तो है अभी थोड़ा सा दिख रहा है कुछ के पता चल रहा है कि भाई कल 14 अगस्त है। अच्छा, माशाल्लाह साथ हमारे कैमरामैन हैं, इनसे हम कहते हैं दिखाएं क्या क्या जो है सैफ ने स्टॉल में चीज़ें लगाई हुई हैं। आप बताएं सैफ क्या क्या है, बच्चियों के लिए ज़्यादा चीज़ें लग रही हैं मुझे एज कम्पेयर। असल में छोटी बच्चियाँ होती हैं जी जी जी, जैसी स्टॉल वगैरह पर आती हैं तो भाई वो पेरेंट्स से जिद करती हैं कि भाई हमें ये चाहिए, तो मेरे पास मतलब लड़कों की भी कैटेगरी रखी है मैंने और लड़कियों की भी कैटेगरी रखी है। अब जैसे ये नेकलेस हैं, ईयर रिंग्स हैं, हेयर बैंड्स हैं, ये क्लचेस हैं, तो बहुत सारी चीज़ें रखी हैं। बाजे प्लीज़ एक दफ़ा साउंडिंग तो दे दें, तरह बाजा बजा दे, बड़ा वाला चाहिए। ये नॉइस पोल्यूशन के लिए 14 अगस्त को इस्तेमाल किया जाता है, ये तो ज़रूरी होता है ना। एले जो है वतन को बताने के लिए कि ये 75वीं जो है डायमंड जुबली हो रही है, एक दिन की एंजॉयमेंट होती है, तो वो चीज है जिसने एक दिन की बात होती है, तो इट्स ओके। अच्छा, इनको लग रहा है ये एक दिन बेच रहे हैं, बाकी दिन बच्चों ने नहीं बजाना, इसके बाद जब बच्चे बजाएंगे ना तो वो आपको भी गालियां देंगे कि ये वो कह रहा है। अच्छा सैफ, आप कोई 75वीं डायमंड जुबली के सिलसिले में कोई पैगाम देना चाहते हैं, कुछ भी 14 अगस्त के लिहाज से? जी जी बिल्कुल। सबसे मेन फोकस सारी आवाम को मैं ये कहना चाहूँगा कि जो झंडियाँ वगैरह लगाते हैं ना और जो सजावट वगैरह करते हैं इंडिपेंडेंस डे पर, तो वो देखने में ये आता है कि उसका एहतराम करें, और जैसे ही 15 अगस्त 16 अगस्त आती है हम देखते हैं कि झंडियाँ रोडों पर पड़ी होती हैं, तो ये दैट्स नॉट गुड। अच्छा रुबाब, क्यों नहीं इनसे एक सॉन्ग सुन लिया जाए, सॉन्ग गाएंगे थोड़ा सा पैट्रियोटिक हो जाए थोड़ा सा। मुझे याद नहीं है, नहीं हम बताते हैं आपको, आप पूछे हमसे। एग्जैक्टली, आपने इतना बड़ा ट्रिब्यूट दिया है कॉम को, चीजें बांटते हैं तो एक गाना तो होना ही चाहिए। हाँ शो शो ऐसी जमी और आसमां इनके सिवा जाना कहाँ, बढ़ती रहे ये रोशनी चलता रहे ये कारवां, दिल दिल पाकिस्तान जा जा पाकिस्तान, दिल दिल पाकिस्तान जा जा पाकिस्तान। मेरी तरफ से और आरएनएन की तरफ से तमाम आलम इस्लाम को और तमाम पाकिस्तानियों को इंडिपेंडेंस डे की बहुत बहुत मुबारकबाद, जश्न आज़ादी बहुत बहुत मुबारक हो। जैसा कि आप देख रहे हैं यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें मौजूद हैं और सारी पाकिस्तान के झंडे पे हैं, तो हम आपको बता नहीं रुबाब, नई नई चीज़ें भी आई हैं, ये देखें मैं आपको दिखाऊँ, ये बड़ी प्यारी सी कैप है, ठीक है ये ऐसे तरीके, ये तो बहुत छोटे बच्चों का है, ये बड़ी अच्छी चीज़ आई है यहाँ पे। इसके अलावा
एग्जैक्टली अगर मेरे कैमरामैन ये दिखाएं तो ये देखिए बच्चियों के लिए नेल्स भी एक नई अमेंडमेंट हुई है 75वीं डायमंड जूबली के अंदर। एग्जैक्टली हेयर बैंड से और बिल्कुल काफ़ी वैसे जो है मुख्तलिफ डिजिटल तरक्कियाँ हो गई हैं 75वीं जो है इसमें, क्योंकि 75वीं डायमंड जूबली है तो होनी तो चाहिए ना। बिल्कुल, लेकिन मुझे रुझान लोगों का बहुत कम नज़र आ रहा है। हाँ, क्योंकि बारिशों की वजह से रुबाब बारिश असल में अभी भी आसार ऐसे हैं कि आप देखेंगे बारिशों के भी सिलसिले बारिशें हो रही हैं। बिल्कुल, तो जाहिर है वो लोग स्टॉल्स वगैरह में क्या कमाई करेंगे। हाँ, आइए हम पीछे जो लोग खड़े हैं इनसे जानते हैं इनकी तैयारियाँ कैसी हैं जश्न आज़ादी के वास्ते। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या नाम है बेटा आपका? मोहम्मद अनस। अच्छा अनस, ये आपकी शॉप है? यस। अच्छा, मज़ा आ रहा है आपको यहाँ पे? जी बहुत। क्या मज़ा, 14 अगस्त हम क्यों मनाते हैं? क्योंकि हमारी आज़ादी का दिन है। जबरदस्त, पाकिस्तान जिंदाबाद का जरा। पाकिस्तान जिंदाबाद। अच्छा चलो ये बताओ मिली नगमा गा सकते हो कोई अच्छा सा कोई? हाँ, साया खुदाए जुलजलाल, जमाने आने माजी शाने हाल, रहबरे तरक्कियों का माल, मैं पाकिस्तान हूँ, मैं पाकिस्तान हूँ, मैं जिंदाबाद हूँ, मैं जिंदाबाद हूँ, मैं पाकिस्तान हूँ, मैं पाकिस्तान हूँ, मैं जिंदाबाद हूँ, मैं जिंदाबाद हूँ। हमाना मेरे दुश्मन है बहुत दोस्त है कम, हमाना मेरे अपनों ने किए है सितम, हमाना आग बुझाने को है पानी थोड़ा, पर मैंने अपने बच्चों को तन्हा नहीं छोड़ा। हमाना आग बुझाने को है पानी थोड़ा, पर मैंने अपने बच्चों को तन्हा नहीं छोड़ा। मैं शाही हूँ इकबाल का, मैं घर है तरकी आल का, मैं कायद का फरमान, मेरे सीने में कुरान, मैं खैबर में पंजाब, मैं सिंध बलोचिस्तान, मैं पाकिस्तान हूँ, मैं पाकिस्तान हूँ, मैं जिंदाबाद हूँ, मैं जिंदाबाद हूँ, मैं पाकिस्तान हूँ। आइए सुनते हैं उनका ट्रिब्यूट क्या है 14 अगस्त के हवाले से। ये देखें कौम के बच्चों का पैगाम 14 अगस्त के नाम। ये बच्चे बड़ा एंजॉय कर रहे हैं 75वीं डायमंड जुबली में। रेडी, एक और दफा एक भरपूर ट्रिब्यूट के साथ बोला पाकिस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान जिंदाबाद। इस तरह आप ये देख रहे हैं कि बारिशों से बचाव के लिए इन लोगों ने ऊपर कवर किया हुआ है, क्योंकि सुबह से बारिशें बहुत तेज हो रही हैं और इस वजह से आवाम का रुझान भी बहुत कम है। मार्केट बिल्कुल खाली नजर आ रही है। क्या कहना चाहेंगे सदब इस पे आप? खाली जरूर है, लेकिन फिर भी पेट्रियोटिक है, कुछ ना कुछ जो है आना शुरू हो गई है, जैसे पीछे से अभी हमें पता चला है। और बाबा जी बैठे हैं, हम बाबा जी से भी जानते हैं, इतनी प्रोटेक्शन उन्होंने रखी हुई है, अल्लाह कह रहे हैं इनके रिस्क में बरकत हो। अस्सलाम वालेकुम बाबा। बाबा कैसा चल रहा है स्टोर, आपकी खरीद कैसे चल रही है? बारिश की असर है, कम से कम बढ़ा दे, लेकिन अल्लाह शुक्र है। नहीं नहीं, अल्लाह ने चाह इंशाल्लाह। बाबा क्या क्या दे रहे हैं साथ, ये देखें इतने मजे मजे के बैजेस लेकर आए, डिफरेंट शेप्स हैं, ये देखें बाबा। बाबा कितने का दे रहे हैं? 80 रुपीस का है, कोई 50 रुपीस का है। बाबा जश्न आज़ादी का 75वीं डायमंड जुबली हो रहे हैं, कोई पैगाम देना चाहेंगे? आमीन। बाबा कोई गाना सुनाते अच्छा पुराना, थोड़ा सा थोड़ा सा। दिल दिल पाकिस्तान जा जा पाकिस्तान। अच्छा जी, अस्सलाम वालेकुम। एक अनदर स्टॉल हमारे सामने है और हम पूछते हैं कौन सा बात कर रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। क्या नाम है सर आपका? समी। अच्छा सर जी, आपकी शॉप है, आप आए हुए? जी जी, मैं आया हुआ हूँ यहाँ पे। अच्छा सर, तो हाथ में बाजा भी है, सबसे मेन सौगात। ये देखिए 14 अगस्त का एक और ट्रिब्यूट फिर है। मैं तो बच्चों को देखी थी, यहाँ बड़े भी बजा रहे हैं। सर प्लीज बजा दें सर एक दफा। अच्छा जी सर, क्या कहना चाहेंगे 75वीं डायमंड जुबली हो रही है? बिल्कुल, हर आदमी को मेरे ख्याल में स्पेशली यूथ जितनी भी है उनको चाहिए कि वो इसको ज़्यादा से ज़्यादा पार्टिसिपेट करें इसमें,
खूब इंजॉय करें, बिकॉज ये हमारा एक मैसेज जाना चाहिए पूरी वर्ल्ड ओवर के हमारी यूनिटी यही है कि 14 अगस्त हमारे लिए सबसे इम्पोर्टेंट दिन है। बिल्कुल, आमीन, आपकी दुआ कबूल। आमीन। अस्सलाम वालेकुम, मेरी तरफ से और RNN न्यूज़ चैनल की तरफ से सारे लोगों को जश्न आज़ादी मुबारक। माशाल्लाह, इसकी आवाज़ देखें। अच्छा, और क्या क्या दे रही है देखें, इन्होंने बैजेस भी रखे हुए, वॉचेस सैंपल भी रखे हुए, इन्होंने भी नेल्स रखी हुई है, और कितनी खरीदारी हो रही है। लोग आ रहे नहीं आ रहे, फैमिली मौजूद है, साथ बच्चे भी हैं, उनसे थोड़ी सी बात कर लेती हूँ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आपका नाम? नहीं फैजान। आप अपनी फैमिली के साथ आप आए हैं यहाँ पे, कितनी शॉपिंग कर रहे हैं? अभी हमने शुरू की है शॉपिंग, आए हैं। कब से आए? थोड़ी देर हुई है। देखिए अभी तक ब्लैक ही है फिलहाल, तो अभी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या नाम है आपका? अलीजा नईम। अच्छा अलीजा, क्या क्या लिया अभी तक? अभी तक हमने खाली फ्लैग लिए, और बाकी अभी आगे हम घर अभी और शॉपिंग करके। आपका नाम क्या है? अली हसन। अच्छा अली, आपने कुछ लिया तैयारी की? नहीं अभी हम ले रहे अभी। अच्छा अच्छा, ये बताओ स्कूल में तो तुम लोग परफॉर्मेंस करते हो ना, एक अच्छा सा सॉन्ग सुना दो 14 अगस्त के हवाले से, कुछ भी छोटी सी लाइन। दिल दिल पाकिस्तान जान जान, पाकिस्तान दिल दिल पाकिस्तान जान जान, पाकिस्तान पाकिस्तान जिंदाबाद। मेरी तरफ से और RNN की तरफ से तमाम अहले वतन को 75वीं जश्न आज़ादी बहुत बहुत मुबारक हो, पाकिस्तान जिंदाबाद। मेरी तरफ से और RNN न्यूज़ की तरफ से आप सबको जश्न आज़ादी मुबारक। सर कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह। क्या आपकी भी तैयारियां शुरू हो गई 75वीं डायमंड जुबली की? जी जी जी। तो सर अपने लिए ले रहे हैं या बच्चों के लिए, किसके लिए? बच्चों के लिए। अच्छा सर, तो क्या क्या ले रहे हैं आप बताएं, क्या क्या पसंद आया? ब्लैक चूड़ियाँ और ये फूट वूट ले रहे हैं। अपने लिए नहीं लेंगे कुछ? नहीं अपने लिए नहीं, बच्चों के लिए रहेंगे। अच्छा सर, ये 75वीं डायमंड जुबली हो रही है, कोई पैगाम देना चाहेंगे हमारे कौम को, कौम की नौजवान नस्ल को? नौजवान नस्ल को भी चाहिए, सबको चाहिए, इस वक्त मिल इतिहाद पैदा करें, आपस में मिले, तासुब ख़त्म करें, पाकिस्तान की सोचे, पाकिस्तान की बेहतरी की सोचे, जो जिन्ना साहब ने पैगाम दिया है उस पर अमल करें। आमीन आमीन सर। और सर कोई मिली नगमा सुनाना चाहेंगे हमारे इस सिलसिले में, एक हो जाए सर? दिल दिल पाकिस्तान जा जा पाकिस्तान। प्यारे प्यारे कपड़े हो, मुझे तो एक बहुत ही छोटे बेबी का ड्रेस दिख रही है, बहुत ही क्यूट ड्रेसेस हैं, मुझे तो हर ड्रेस इतना प्यारा लग रहा है। और देखिए आर्मी के ड्रेसेस भी मौजूद हैं यहाँ पर। मैं ये सोच रही हूँ ये ड्रेस जो पहनेगा उसको तो ये भी नहीं पता कि 14 अगस्त होती है और 75वीं डायमंड जुबली मनाएगा। ये देखें एक छोटे बेबी का ड्रेस है, देख रहे हैं आप पीछे में, देखें इन्होंने बड़ा अच्छा इंतजाम किया हुआ है। और ये इन्होंने आपको लगती है कि इस बार आवाम कम है? आवाम बिल्कुल कम है, थोड़ी बहुत वजूहत, क्योंकि मुहर्रम के सिलसिले भी चल रहे थे, एहतरामन भी लोग ना सके, और दूसरी सबसे बड़ी चीज़ बारिश, बारिश को लेकर। लेकिन RNN की टीम हमेशा जगह पहुंच जाती है बारिश और तूफानों का ही पहुँचती रहेगी। जी सर, क्या सूरत हाल है आप लोगों की यहाँ पे? अच्छा, कैसे परचेजिंग कैसे हो रही है, खरीदो फरोख कैसी चल रही है, आवाम का कितना रश है? आवाम का रश है और आज से वैसे माशाल्लाह अच्छा रिस्पॉन्स होगा, लेकिन आप देख रहे हैं कि बारिश ये बहुत चल रही है, तो आएंगी हम? बारिश हो या तूफान हो, 14 का साल में 14 अगस्त है, बिल्कुल इस बात तो ठीक है, इसी जज्बा खत्म नहीं होता। सर जश्न आज़ादी की 75वीं डायमंड जुबली हो रही है, आप इस सिलसिले में क्या कहना चाहेंगे? अल्लाह ने अल्लाह का लाख लाख शुक्रिया, मैं बहुत अच्छी नेमत आता की ये एक वतन की शक्ल में, लेकिन हमने इसकी कदर नहीं की। हाँ बिल्कुल, हमने इसकी कदर नहीं की, हमने इसको तोड़ फोड़ के खाना शुरू कर दिया, समझे ना। अब अल्लाह करे कि हम लोगों में ऐसे लोग आए जो सही तरीके से खिदमत करें मुल्क और कौम की भी और वतन की भी और दीन की। आमीन आमीन। सवाल है तो आप किसको लाना चाहते हैं? जो अल्लाह का अच्छा बंदा हो। तो नहीं, हम मेरे नगर में तो हर वो आदमी है जो मुत्तकी परहेज़गार,
सर, जो कि हमारे पॉलिटिशियन तो बिल्कुल भी नहीं, धोबी पॉलिसी जो है ना, आपको सही नहीं। तो आपने किसी को वोट नहीं दिया? नहीं, मैं वोट देता ही नहीं। क्या ये तो राइट बनता है? सर राइट बनता है, लेकिन मैं क्या करूँ, मुझे पसंद ही नहीं आते। अच्छा ये बताएं, खरीदो फरोख कैसे चल रही है यहाँ? माशाल्लाह कितनी प्यारी प्यारी फ्रॉक रखी हुई बच्चों की, लेकिन ये तो बहुत ही छोटी सर बच्चियों के लिए लेके जाते हैं लोग इस तरीके से? हाँ ले जा रहे हैं आज, लेकिन ये है कि अभी स्लो है काफी। कितने क्या कीमत है सर? ये 200 की, लेकिन ये जैसे कश्मीर। इतने सालों में सर क्या तब्दीली देखी है आपने 14 अगस्त में, क्या तब्दीली हुई है? बहुत स्लो है काम, स्लो है, वो तो हालात ऐसे हैं, बारिश है, मुहर्रम, बिल्कुल सर। लेकिन लोगों के जज्बात कभी खत्म नहीं। हाँ वो तो अल्लाह का शुक्र है, कल ही लगाया है, कल से याद, माशाल्लाह अल्लाह आपके रिस्क में बरकत है। 14 अगस्त है, और एक ये भी वजह है कि संडे को आ रहा है 14 अगस्त, तो जाहिर है हां टिकट वैसे भी लोग निकलते ही हैं। रात को इंशाल्लाह खरीदारी रहेगी, पूरी रात ही रहती है यहाँ पर खरीदारी, और कल भी छुट्टी है तो कल भी लगा जाएगा। RNN की तरफ से तमाम अहले वतन को और तमाम पाकिस्तान को जो बाहर मुल्क में हुए, तमाम के तमाम मुसलमानों को जश्न आज़ादी मुबारक हो। ये माशाल्लाह अब तक मुझे बहुत बड़ी शॉप नज़र आई है इनकी, क्या क्या आपकी शॉप में? बहुत कुछ है, तमाम चीज़ें हैं जो आज़ादी के लिए होनी चाहिए। आज़ादी के लिए होनी चाहिए। अच्छा आप कब से लगा रहे हैं स्टॉल? अभी लगाना शुरू किया या कई सालों से लगा? तकरीबन 20 साल हो गए। माशाल्लाह पहले जैसा नहीं, कुछ महंगाई, कुछ मुहर्रम इसकी वजह से। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। क्या नाम है सर आपका? सैयद अशफाक अली। अच्छा अशफाक साहब कब से स्टॉल लगा रहे हैं? ये 1 अगस्त से लगा रहे हैं। अच्छा माशाल्लाह, क्या खरीदो फरोख्त है? टी शर्ट वगैरह हैं बस जो बेच रहे हैं। क्या क्या प्राइस पे बेच रहे हैं, दिखाएं कोई शर्ट? 300-400। अच्छा जी 400 की है। नहीं नहीं आवाम का जोर है, खरीदारी हो रही है, प्रॉपर है। नहीं नहीं बिल्कुल बिल्कुल कम नहीं हुआ, बहुत जोश व जज्बे से ठीक ठाक खरीद आ रही है माशाल्लाह। सर थैंक यू सो मच। सर कुछ गा के सुना दे, कुछ गा के सुना दे सर। सब क्या? दिल दिल पाकिस्तान जा जा पाकिस्तान, दिल दिल पाकिस्तान जा जा पाकिस्तान। RNN की तरफ से जश्न आज़ादी बहुत बहुत मुबारक हो। हमारे पास एक बाजा मौजूद है और बहुत ही बड़ा बाजा है, और इसी ने सबका जीना हराम किया हुआ है, और इससे ये सबकी बजा रहे हैं। अभी क्या बजा रहे हैं समझ से बाहर, लेकिन बजा रहे हैं। इनके पास सारी कैटेगरी मौजूद है, छोटे से लेकर बड़े तक हर बाजा मौजूद है। सिलसिले में अब ये बजाव है कि बजा है कुछ पता नहीं है, लेकिन यहाँ पे बच्चे बहुत इंजॉय कर रहे होते हैं। ये हमारी जो है 14 अगस्त में बच्चे जो है नॉइज पोल्यूशन पर आते, कौन सा पसंद आया सबसे ज्यादा बजा के दिखाओ वहाँ पे कैमरे पे, कैमरे पे तो बहुत छोटा है, बड़ा वाला बजा के दिखाओ। माशाल्लाह माशाल्लाह। और क्या क्या खरीदना है? बैजेस लिए आपने, झंडे लिए आपने? पाकिस्तान जिंदाबाद कह दो ऐसे, पाकिस्तान जिंदाबाद। रुबाब ये तो कुछ नई चीज आई है, पेंटिंग। ये तो बच्चों को बहुत पसंद होती है, और यहाँ पे पेंटिंग वाले भी बैठे हुए हैं। पेंटर आर्टिस्ट हमारे साथ मौजूद है, क्या नाम है सर आपका? राज। मेरा नाम सोनी। कब से काम कर रहे हैं सर? तकरीबन 2 माह से। अच्छा अच्छा, ठीक है। तो हमें क्या बना रही हैं आप हमारे हाथों पे? पेंटिंग बना रहे हैं। पेंटिंग? पेंटिंग में क्या बनाएंगे? झंडा बना दें आप हमें, बना दें थोड़ी सी पेंटिंग वगैरह बनवा लेते हैं आप हमें, बना दें ये पाकिस्तान का झंडा जहाँ पे आ रहा हो ये बना दें आप हमें। क्या बनाएंगे? ये म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग के साथ बन रहा है हर बार। बिल्कुल हाँ, माशाल्लाह ये कोई नई चीज़ आई है, मुझे बड़ी खुशी हो रही है इस बात की। पाकिस्तान जिंदाबाद। अमार आप आपको अच्छा लगता है 14 अगस्त मनाना? हम क्यों मनाते हैं 14 अगस्त? पता नहीं, पता नहीं या अल्लाह इस कौम को बताए। 14 अगस्त हम इसलिए मनाते हैं क्योंकि हमारा मुल्क आजाद हुआ था, हमारा मुल्क आजाद हुआ था। वेरी गुड। हाँ नन्ही की बड़ी मौजूद है, उनसे थोड़ी सी बात कर लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम, आपका नाम?
ज़ैनब फातिमा नाम है। ज़ैनब फातिमा क्या दिया आपने? क्या दिया? पाकिस्तान लिया है। इन्होंने पूरा पाकिस्तान ले लिया एक ही झटके में। ज़ैनब आपको फ्रॉक्स पसंद आ रही हैं? हाँ। कौन सी पसंद आई है जरा जाके बताओ जरा जल्दी से। इनको व्हाइट वाली फ्रॉक पसंद आएंगे, इन्हें वही दिलाइएगा। यहाँ पे एक और स्टॉल लगा हुआ है जिसमें कपड़ों की बहुत सारी वैरायटीज है, व्हाइट एंड ग्रीन के साथ साथ हमारे जो है ये आर्मी के कुछ जो है ड्रेसेस भी बच्चों के मौजूद हैं जो कि बहुत अच्छे और अट्रैक्ट कर रहे हैं। इसके साथ साथ हम देख रहे हैं कि यहाँ पे काफ़ी सारी तादाद में है और मुझे ये बच्चों के फ्रॉक भी बहुत प्यारे लग रहे हैं। ये देखें बहुत प्यारे हैं। और यहाँ पर हम जानते हैं कि इनकी खरीद व फरोख्त कैसे चल रही है। अस्सलाम वालेकुम सर। कैसे हैं आप? ठीक है शुक्र अल्लाह का। ये बताइए कि आपकी तैयारियां कैसी चल रही हैं? हमारी तैयारियां तो बहुत जोर से खरोच से चल रही हैं, लेकिन अल्लाह अपनी रहमत बरसा रहा, क्या करें। ये बारान रहमत है सर, दुआ मांगे जरूर कबूल होगी इंशाल्लाह। सर ये ड्रेसेस बड़े प्यारे, रुबाब देखें कितने प्यारे प्यारे ड्रेसेस इन्होंने लगाए। मुझे आएंगे नहीं ज्यादा। हाँ हमें आएंगे नहीं है। इसकी प्राइस बताएं सर, क्या प्राइस है, कैसे दे रहे हैं? ये 800 रुपए का सूट है छोटा। और ये वाला सर? ये सब 800 के। खरीद फरोख्त हो रही है यहाँ पे? बहुत हो रही है। चले अल्लाह बरकत है सर। पाकिस्तान की 75वीं डायमंड जुबली है, कोई पैगाम कुछ देना चाहें तो जरूर बताएं। क्या दे सकते? पाकिस्तान। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम। क्या नाम है आपका? हसनैन। क्या करते हैं हसनैन आप? काम करते हैं। मुझे बताएं हम 14 अगस्त क्यों मनाते हैं? पाकिस्तान के लिए। पाकिस्तान के लिए मनाते पर क्यों मनाते हैं? चलो पता ही नहीं, इस बार इनको पता नहीं है। पाकिस्तान हम 14 अगस्त इसलिए मनाते हैं क्योंकि हम आज़ाद हुए हैं। क्या हुए? हमारे जश्न आज़ादी जो है नसीब हुई है। पाकिस्तान जिंदाबाद। अच्छा मुझे ये बताएं हम 14 अगस्त क्यों मना रहे हैं, पता है आपको? मुझे बताएं। मुहर्रम ऐसा ऐसे। अरे मेरे बच्चे बड़ा मासूम बच्चा है, 14 अगस्त क्यों मना रहे पता नहीं लेकिन मना रहे। अच्छा झंडा दिखा दो ऐसे करके। मेरी तरफ से और RNN न्यूज़ की जानिब से तमाम अहले पाकिस्तान को मेरी तरफ से बहुत बहुत दिली आज़ादी मुबारक हो। हमारे साथ एक और फैमिली मौजूद है, छोटे बेबी को लेकर आई है और 14 अगस्त की तैयारियां भी हम देख रहे हैं जैसे जैसे हम आए बढ़ गई हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। और बच्चों की शॉपिंग करने आए हुए हैं इधर। ये तो बहुत ही कोई छोटी बेबी है, क्या नाम है इसका? मारूफ है। अच्छा अच्छा बॉय है ये, बेबी बॉय है सॉरी। और इनका क्या नाम है? बाहुल। बाहुल क्या नाम है? बाहुल। ले ले। अच्छा ये कैसी चल रही है आप लोगों की तैयारियाँ? बहुत अच्छी चल रही है, अभी बस वही लेना है। बस बच्चों को थोड़ा बाहर लेके जाएंगे, कल कोई इवेंट वगैरह नहीं है, हम लोग हैदराबाद से वहाँ जाएंगे। अच्छा जश्न आज़ादी के सिलसिले में कोई पैगाम देना चाहेंगे? आपस में म्यूचुअल ले सकते हैं आप लोग। बस यही कहेंगे कि जोश खरोश से 14 अगस्त मनाना चाहिए और सब लोग अपना आज़ादी को मनाएं। सर इस 75वीं डायमंड जुबली में जो हमारे अभी ये वोटिंग अगर होगी तो आप किसको वोट देंगे? आप वोट तो इमरान खान को ही देंगे। चले सर पाकिस्तान का एक नारा लगा दें। पाकिस्तान जिंदाबाद। थैंक यू। तो देखिए आपने एक अच्छी सी तैयारी हमारे अहले वतन की, जोश और खरोश की। बिल्कुल जोश और जज्बा देखा आपने लोगों का कि कितना जोश और जज्बा था। हमेशा की तरह इस साल भी वैसा ही जोश और जज्बा आपको नजर आया, लेकिन इस बार तो डायमंड जुबली थी तो कुछ ना कुछ नया तो बनता ही था, क्यों सदा? बिल्कुल। और जैसा कि 75वीं डायमंड जुबली आ गई है, मैं और रुबाब और हमारी पूरी RNN की टीम से भी तमाम अहले वतन को जो है दिल की गहराइयों से जश्न आज़ादी बहुत बहुत मुबारक हो। और सिल्वर
सल्तनत पाइंदा ताबिंदाबाद शादबाद मंजिले इसी तरह पाकिस्तान को कायम और कायम रखे और सदा सलामत रखे और पुरमन बनाए और अच्छे पॉलिटिशियन से जो है मुतारिफ करवाए आमीन। ये सॉन्ग डेडिकेट करते हैं आप सबके नाम बिल्कुल। ए जज्बा जुनून तू हिम्मत ना जिस तुझू जो करे वो छुए आसमां मेहनत अपनी होगी पहचान कभी ना भूलो सबकी नजरों में पाकिस्तान कभी ना भूलो। आपको बहुत बहुत मुबारक फिर मिलेंगे दोबारा जश्न दादी के साथ और नए वलवले के साथ और नया प्रोग्राम लेकर आएंगे इंशाल्लाह इसी तरह बहुत ही धमाकेदार इंशाल्लाह ताला। तब तक के लिए हमें इजाजत और रुबाब और सदर लेती है साइनिंग ऑफ। अल्लाह हाफिज़।